जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त, रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611, मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3-टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन रनर, मैराथन कोच, शौर्य चक्र अवार्डी, प्रवीण कुमार तेवती। और दोस्तों, मैं हूं अभी दिल्ली NCR यानी कि गाज़ियाबाद में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये फॉग नहीं है दोस्तों, ये धुआं है। और 11 किलोमीटर मैंने आज रनिंग की है। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन आज हुई, जो सांस लेने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, गला चौक हो रहा था। और ये सब देन है दोस्तों आपके उन पटाखों की, आपके उन जो छुरियों की, आपके बॉम्ब की, और आपके जो रॉकेट बम हैं, और आपके जो अनार जो आप छोड़ रहे हो घर पे, ये सब उनकी देन है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई, ये आप क्या कर रहे हो, ये राम राज्य है या रावण राज्य है? आप खुद को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, खुद के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। आपको खुद को तकलीफ़ नहीं हो रही है घर के अंदर बैठ के? आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही है क्या? आप क्यों अपने ही साथ खेलने पे लगे हुए हो? माना कि भैया पटाखे छोड़ने ज़रूरी हैं, छोड़िए, लेकिन कितने? अगर आप 1000 रुपये के पटाखे लाते हो, तो 500 रुपये के पेड़ लाकर आप लगाते क्यों नहीं हो? एक अनार अगर 100 रुपये का आता है, तो एक नीम का या एक पीपल का पेड़ भी 100 रुपये का ही आता है, लेकिन आपने अनार को चुना, बॉम्ब को चुना, रॉकेट को चुना, आपने फुलझड़ियों को चुना। जो आप छुर छुर कर रहे हो, इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही जनरेशन को, नेक्स्ट जो जनरेशन है, उसके लिए आप भयंकर से भयंकर बीमारियां दे रहे हो। कैंसर जैसी बीमारियां दे रहे हो, अस्थमा जैसी बीमारियां उनको दे रहे हो, TB जैसी बीमारियां उनको दे रहे हो, स्किन डिजीज उनको दे रहे हो। आप पेड़ लगाकर, जंगल लगाकर आप उनको अच्छा वातावरण भी दे सकते हो। सिखाने वाली चीज़ उनको सिखाइए। ये बॉम्ब छोड़ना और ये सारी चीज़ें करना प्लीज़ और प्लीज़ कम कर दीजिए, हमें तकलीफ़ होती है। और आप अपने बच्चों से पूछिए, क्या उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है? जब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि किसको तकलीफ़ हो रही है। जब आपको कैंसर होगा, तब आपको पता चलेगा ये जो बॉम्ब छोड़ रहे हो, इसका नुकसान क्या है। ये राम राज्य तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों हम अपने ही पैर के ऊपर ऐसी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमको खुद को पता नहीं चल रहा है। पटाखे फोड़ने के लिए, पटाखे बजाने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन इतनी संख्या में क्यों? आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, आप उतने ही पेड़ लगाकर दिवाली मना सकते हैं, आप दीपक जलाकर भी दिवाली मना सकते हैं, ये तो एक तरीका है। नहीं जी, हमको तो पटाखे ही फोड़ने हैं, हमको तो पॉल्यूशन ही करना है, हमको तो बीमारियां चाहिए। क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये दे रहे हो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को? ये देकर जाओगे, पटाखे देकर जाओगे, बॉम्ब देकर जाओगे, रॉकेट देकर जाओगे, पेड़ नहीं लगाओगे, वातावरण को शुद्ध नहीं करोगे? शुद्ध पानी नहीं चाहिए हमको? क्या चाहिए ये हमको निर्णय लेना होगा। कोई सरकार है, कितना ही रोके, कोई नहीं रुकता है। मुझे पता है आपके बारे में, ये तो हमको स्वयं निर्णय लेना होगा, स्वयं के ऊपर प्रैक्टिकल करना होगा कि भैया हमको जीवन में क्या चाहिए। शुद्ध वातावरण चाहिए क्या? पॉल्यूटेड एयर चाहिए? मैं यहाँ पर बैठकर आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि कल को ये प्रॉब्लम आपको और आपके आने वाली जनरेशन को होनी ही है। क्यों? हमने उनको दिया क्या है? पॉल्यूशन। हमने उनको दिया क्या है? पॉल्यूटेड वाटर। हमने उनको दिया क्या है? कंटामिनेटेड वाटर। खराब जार RO लगाकर आप घर में पानी पी रहे हो। कल को RO ही लगाओगे, जो प्यूरीफायर है ना, एयर प्यूरीफायर, वो लगाओगे घर में आप, यही जिंदगी रह गई है। कल को आपको जो बच्चे हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा कर चलेंगे। क्यों? ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, एयर तो पॉल्यूटेड हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, बॉम्ब फोड़ने हैं, पटाखे चलाने हैं जी। मेरे दोस्तों, ये देश हमारा है, ये वातावरण भी हमारा है, निर्णय भी हमारे ही होने चाहिए कि हमको करना क्या है, जीना कैसे है। उसकी जगह पर, पटाखे फोड़ने की जगह पर, आप एक पपीते का पेड़ भी लगा सकते थे, आप घर में उगे पपीते खा सकते थे, आप अपने बच्चों को सिखा सकते थे कि पपीते का पेड़ ऐसे उगता है,
केले का पेड़ ऐसे उगता है, अनार का पेड़ ऐसे उगता है, अनार जो है झूठा अनार है। ये झूठा अनार क्यों दिखा रहे हो आप? उनको सही अनार का पौधा लगा के दिखाइए उसी पैसे से। पैसा आपका है, मेरा नहीं है। जो वेस्ट किया है आपने, आपने किया है, प्लस आपने दिया क्या है अपने बच्चों को, दिया क्या है आपने अपने परिवार को, दिया क्या है आपने इस देश को? पॉल्यूटेड एयर। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अगली बार याद रखें कि कम से कम आपको दिवाली के ऐसे अवसर पर 100-150 पौधे लगाने हैं। जय हिंद, जय भारत।